हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा कि कान्हा नेशनल पार्क आप कैसे घूम सकते हैं या उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कैसे आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं, क्या क्या कान्हा नेशनल पार्क की विशेषता है। हालांकि विशेषताएँ तो बहुत ज़्यादा है, शॉर्टकट में मैं आपको जितना बता सकता हूँ बताऊँगा। हाँ, सबसे पहले बता दूं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला बालाघाट और मंडला मध्य प्रदेश की सीमा में लगा हुआ है। मतलब ये जो पार्क नेशनल पार्क है, बालाघाट जिला और मंडला जिला मध्य प्रदेश की दोनों की सीमाओं में है। आधा भाग मंडला में आता है, आधा बालाघाट जिले में आता है। कान्हा को सबसे पहले सेंचुरी 1933 में घोषित किया था, इसके बाद नेशनल पार्क 1955 में बनाया और कान्हा टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया, 1973 में। कान्हा कोर और बफर जोन के आसपास, कान्हा जो है कान्हा कोर जोन है बफर जोन के आसपास फैला हुआ है, और ये कान्हा कोर और बफर जोन के आसपास गोंड और बैगा से ट्राइब्स अधिकतर इसमें बसाहट करती रहती है, गोंड और बैगा जनजाति। कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है उसमें कोर जोन 917 स्क्वायर किलोमीटर है और बफर जोन 1134 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रकार से कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, खासकर इसका जो कोर जोन है 917 स्क्वायर किलोमीटर का, जो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो है आपको अधिक जानवर दिखते हैं। तो जिसका बफर जोन है, बफर जोन में खापा, खटिया, फेन और सिजोरा आते हैं। कोर जोन है जहाँ से एंट्री है, ये कोर जोन चार, जिस चार जगह से एंट्री होती है, कान्हा, किसली, मुक्की और सरही। तो आपको सबसे पहले आज जो मैं बताने वाला हूँ, मेरे पास जो जानकारी है वो मुक्की गेट की है जो बालाघाट जिले में है, ठीक है। तो कान्हा के चार गेट होते हैं, कान्हा, किसली, मुक्की और सरी। बफर जोन में भी गेट है, खापा, खटिया, फेन और सिजोरा। तो आपको कोर जोन घूमना है या बफर जोन घूमना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कोर जोन घूमने से जो मुख्य क्षेत्र है, कोर जोन में ही आपको जो है टाइगर दिखेगा और अधिकतर जो है वन्य प्राणी दिखेंगे, पशु पक्षी दिखेंगे, नजर आएंगे, और कोर जोन में ही ज़्यादातर बाघ टाइगर नजर आता है। इसलिए कोर जोन यात्री घूमना पसंद करते हैं कि कोर जोन में आपको ज़्यादातर घूमने को मिलेगा। ओके, यदि आपको कान्हा घूमना है तो आपको किस प्रकार से टिकट कटानी होगी, कान्हा कब से कब तक खुला रहता है ये भी जानना जरूरी है कि कान्हा यदि आपको घूमना है तो टाइमिंग क्या हो, टिकट कैसे कटाए। 1 अक्टूबर से कान्हा जनरली खुलता है और इसके बाद जो है वो 30 जून तक चलता है, 16 अक्टूबर से खुलता है और 30 जून तक चलता है। जैसे वर्तमान में कान्हा अभी खुला हुआ और 30 जून के बाद वो बंद हो जाएगा, फिर वो 1 अक्टूबर से खुलेगा, ठीक है, और 30 जून तक चलेगा। तो इसकी कैसी शिफ्ट है, जैसे किसली जोन है, किसली जोन में मॉर्निंग शिफ्ट में 18 व्हीकल अलाउ होती है सफारी गाड़ियां, और कान्हा में 40 गाड़ी अलाउ होती है, मुक्की जोन में 40 और सरही जोन में 27। ऐसे ही जो आफ्टरनून शिफ्ट इवनिंग वाला, उसमें 18 गाड़ियां किसली में और कान्हा में 40 गाड़ियां, इस तरीके से इनका शेड्यूल बना है। कुल मिलाकर कान्हा नेशनल पार्क का रिमेन ओपन द विजिटर फ्रॉम 16 अक्टूबर से 30 जून तक ये खुला रहता है, इसकी टाइमिंग है। तो अब आपको यदि ऑनलाइन टिकट बुक कराना है तो कौन सी वेबसाइट से क्या होती है, कैसे बुक होती है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ऑनलाइन टिकट 5 व्यक्ति के लगभग 1500 रुपये लगते हैं और जीप का किराया 200 लगता है। जो ये गाड़ियाँ जीप है इनका, इसके किराया होता है 200 और गाइड का लगता है 360 रुपये। ऐसे बहुत ज़्यादा किराया इसका नहीं है। तो ये ऑनलाइन आप जब बुक कराओगे तो पूरे 6 लोगों के लिए कराओगे तो कम से कम 1500-1600 रुपये में आपकी टिकट बुक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको होटल का खर्चा अलग से होगा। होटल यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क में होटल जो है 4000 रुपये से लेकर 40000 रुपये दिन तक होटल मिलते हैं। होटल की बुकिंग आप कैसे करा सकते हो, उसकी वेबसाइट है, होटल के बारे में बताया जाएगा आपको किस तरीके से होटल की बुकिंग आप कराएं। एमपी टूरिज्म के भी होटल है, यहाँ पे गावा होटल है और एक बाग होटल है जो एमपी टूरिज्म, मध्य प्रदेश एमपी टूरिज्म के होटल है जो बेहतर है। कान्हा की एक विशेषता ये, कान्हा नेशनल पार्क में पूरे जंगल आप कोर जोन में घूमोगे तो सरई के पेड़ मिलते हैं, और सरई के पेड़ जो बहुत हाइटेड होते हैं, जो 60-70 फीट तक की हाइट होती है और बहुत विशालकाय होते हैं। तो सरई के पेड़ में ही अधिकतर जो है वहाँ पे पूरा आपकी कान्हा कोर जोन में सरई का पेड़ ही आपको अधिकतर दिखेगा, अधिक मात्रा में। हालांकि और भी जो पेड़ लगे हैं लेकिन सरई आपको ज़्यादा दिखती है। तो ये मैंने आपको सरई के पेड़ के बताया। अब कान्हा जोन में आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, उसमें
वाइल्ड पिग मिलेगा लगभग 10,000 की संख्या में जंगली सूअर कान्हा में आपको मिलेंगे, विशाल का जंगली सूअर। इसके बाद कान्हा में सबसे ज्यादा आपको मिलता है चीतल जो लगभग 35,000 है, सांभर जो लगभग 10,000 है, बार्किंग डियर जो लगभग 30,000 करीब है। तो आपको जो है हिरण की प्रजातियां जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगी, जिस तरीके से बारहसिंगा विशेष वहां पे मिलेगा आपको और बार्किंग डियर है। इसके बाद वहां पे बहुत सारे आपको पशु पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 300 पक्षी प्रजाति के वहां पे जीव जंतु आपको मिलते हैं वहां पे, जैसे रेड जंगल फाउल है, लाल आपको दिख रहा है मुर्गा जो है जंगली मुर्गा आपको यहाँ पे बहुतायत मिलेगा। गर्मी में तो जंगली मुर्गा वहां पे बहुतायत दिखता है, सीजन के ऊपर भी है कि आप ठंड में जाओ तो हो सकता है कोई जानवर आपको ना दिखे, गर्मी में कोई जानवर दिखता है। जैसे आप ठंड में जाओगे तो आपको बायसन जो जंगली भैंसा है जिसे गौर भी कहते हैं वो आपको ना दिखे शायद, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बायसन बहुत ज्यादा है कान्हा में, वो 5,000 की मात्रा में है जंगली भैंसा, बहुत जो एक ग्रुप में भी वो रहते हैं, कम से कम 5 के ग्रुप में 10 के ग्रुप में भी आपको मिलेगा। और सबसे स्पेशल जो चीज है वहां का टाइगर आपको बहुत कम मिलेगा। वर्तमान में कान्हा नेशनल पार्क में 108 टाइगर चिन्हित किए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि 108 टाइगर है। जो टाइगर है कम से कम उसका 60 से 80 किलोमीटर का एरिया जो होता है चिन्हित होता है उस एरिया में रहता है और ग्रुप बना के वो रहता है, अपने एरिया में किसी दूसरे को जानने नहीं देता है और वो अपना मार्किंग करता है, अपने मूत्र से मार्किंग करता है क्षेत्र को और उस एरिया में वो स्वयं रहता है। कोई कान्हा टाइगर के एरिया में दूसरा कोई जाता है दूसरा टाइगर तो वो मौत हो जाता है। वर्तमान में कान्हा नेशनल पार्क में बहुत सारे टाइगर की मौत इन्हीं कारणों से हो रही है, क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र में यदि कोई टाइगर आ जाता है तो फिर उनका जो है युद्ध होता है, लड़ाई होता है और लड़ाई में निश्चित रूप से एक को हारना होता है। चीता, लियोपर्ड, तेंदुआ भी मिलता है यहाँ, 127 कम से कम यहाँ पे अभी वर्तमान में है तेंदुए हैं, लेकिन आप कोर जोन में आप जाओगे तो आपको तेंदुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ टाइगर होता है वहाँ पे तेंदुआ नहीं होता, ऐसा सामान्य पाया जाता है। तो ये रही इसकी बात, आपको बहुतायत में शेर देखने को मिलेंगे, लेकिन शेर देखने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, हर विजिट में शेर आप बाघ दिख जाए टाइगर दिख जाए कोई जरूरी नहीं है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कान्हा पार्क के अंदर टिकट ऑनलाइन बुकिंग होती है और उसकी वेबसाइट है forest.mponline.gov.in। इसमें आप कान्हा पार्क के अंदर टिकट ऑनलाइन बुक होती है, कान्हा की टिकट बनती है इससे, ठीक है। अब कान्हा पार्क की आधिकारिक वेबसाइट में समस्त जानकारी दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल, आप इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आपको www.kanha.national.park.com, ये कान्हा की नेशनल अधिकृत वेबसाइट, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कान्हा पार्क में होटल बुक कराने संबंधी ऑनलाइन वेबसाइट है olrs.mpstdc.com, इसमें आपको अपनी होटल की बुकिंग करा सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कान्हा नेशनल पार्क की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाता हूँ अभी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ olrs.mpstdc.com है, मतलब जो टूरिज्म की है होटल बुक करने वाली वेबसाइट है, और ये कान्हा की forest.mponline की वेबसाइट है जिसमें से आप कान्हा की टिकट बुक करा सकते हैं। आगे मैंने आपको बर्ड्स के बारे में बताया, लगभग 300 प्रकार के बर्ड्स मिलते हैं, बर्ड्स वहाँ कई प्रकार के मिलते हैं, कई प्रकार के पक्षी है आपको, बदक है और चिड़िया है, पैरट्स हैं, उल्लू है और नीलकंठ है, ऐसे अलग अलग गिद्ध हैं, ये अलग अलग प्रकार के आपके वहाँ पे पक्षी जो है आपको देखने को मिलेंगे। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में आप और अधिक जानकारी तो वहाँ आपको किताबें भी मिलती है, जो मेन गेट है मुक्की का उसके बगल में जहाँ से आप एंट्री करोगे वहाँ पे किताबें भी मिलती है और वहाँ से आप किताब खरीद के बहुत सी जानकारी ले सकते हो। लेकिन वर्तमान में एक डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला IFS ने किताब लिखा है 2018 की किताब टाइगर्स ऑफ कान्हा, इसमें टाइगर्स की बहुत डिटेल है, यदि आप टाइगर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये किताब बहुत अच्छी है, मेरे पास है, मैंने इसी से बहुत सारी जानकारी लिया है, बहुत अच्छी किताब ये हिंदी में, कान्हा एक बाघ आरक्षक की झलकियाँ, कान्हा रिजर्व की पूरी डिटेल इसमें दी है, इस किताब से भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इस किताब में मैंने भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया है, क्योंकि गाइड आपको नहीं बताएगा, यदि आप ये किताब पढ़ के जाएंगे तो गाइड से आप क्वेश्चन करेंगे, कई गाइड तो बहुत अच्छे से बताते हैं कुछ गाइड आपको नहीं बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो डिटेल रही आपको आपकी, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वेबसाइट है उसके विषय में थोड़ा बता दूँ। ये जो है forest.mponline mponline.gov.in की है,
इससे आप बुकिंग करा सकते हैं, इस प्रकार का खुलेगा और आपको यहाँ पे फुल व्हीकल चाहिए तो यहाँ क्लिक करिए, यहाँ डेट डालिए, जैसे मैं यहाँ 18 जून का डेट डाल रहा हूँ और इसमें मैंने क्लिक किया, सर्च किया, शायद नेट की प्रॉब्लम है, फुल व्हीकल, डेट डाला मैंने यहाँ पे 12 जून का और ये वेबसाइट खुल रही है। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल, आपको आधार कार्ड नंबर लगेगा, आपको देखिए 12 जून की डेट में यहाँ पे अभी सब यहाँ पे खाली हुई है, सीट्स बहुत खाली हुई है काना में, यहाँ पे अलग दिखा, फेन अलग है, कहाँ जाना आपको, फेन, काना, खटिया, सिजोरा, मुक्की, जैसे ये मुक्की जाना आपको तो मुक्की के लिए यहाँ पे देखिए 12 जून को खाली है, मॉर्निंग में 5 और इवनिंग में 14 खाली है, ठीक है, इस तरीके से 12 जून की बुकिंग खाली है, 12 से 18 जून तक बहुत बुकिंग यहाँ पे खाली है, चाहे तो ऑनलाइन करा सकते हैं आप, और ऑनलाइन से आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड जरूरी है, तो इस तरीके से यहाँ से आपकी ऑनलाइन टिकट बुक हो जाएगी। अब आपकी ऑनलाइन टिकट बुक हो गई तब होटल चाहिए तो कान्हा में कौन कौन सी होटल है आपको यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे ये दिया है होटल बुकिंग, तो यहाँ पे आप जाइए जहाँ पे कान्हा भी मिलता है आपको, और कान्हा, ये कान्हा पार्क है, यहाँ पे आप डालेंगे डेट, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 31 मई का, तो यहाँ से आप अपनी 31 मई से मैं 1 जून तक का सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी होटल अवेलेबल है, जैसे कान्हा सफारी आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, बघीरा जंगल रिसोर्ट है, क्योंकि ये जो इसमें है आपको केवल कान्हा एमपी टूरिज्म की जो होटल है उसके बारे में मिलेगा, और वेबसाइट में बहुत सारी कान्हा की है जो डायरेक्ट आप ऑनलाइन बड़ी होटलों में भी करा सकते हैं, और अच्छी होटल भी उपलब्ध है, इससे बेहतर भी उपलब्ध है आपको। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक एमपी टूरिज्म का भी वेबसाइट है, उससे भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कान्हा नेशनल पार्क की जो अधिकृत वेबसाइट है यहाँ आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ से पूरी कान्हा की आपको सही और अधिकृत जानकारी मिलेगी। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है कान्हा के बारे में, डिटेल है, और यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन, अधिकृत और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। इस तरीके से ये कान्हा का मेरा वीडियो में आपको बताया कि आपको कान्हा में क्या क्या आपको मिलेगा देखने को। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, और आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आप मुझे इसमें लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ विशेष बात हो तो कमेंट लिखिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।